हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शॉकिंग सुपरस्टार्स के बारे में जो चैंपियंस बनेंगे इन 2019। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एंड एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। आखिर कौन से सुपरस्टार होंगे यूनिवर्सल चैंपियन एंड WWE चैंपियन इन 2019, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, 2018 में यूनिवर्सल चैंपियन मोस्टली रहे थे ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस, और अब है फिर से ब्रॉक लेसनर। और WWE चैंपियन थे AJ स्टाइल्स और अब है डैनियल ब्रायन। तो फिर विंस मैकमैन 2019 में कुछ बड़े चेंजेस कर सकते हैं। रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों को ही चाहिए चेंज चैंपियंस, तो फिर वही हमें प्रोबेबली देखने मिलेगा इन 2019। तो दोस्तों, ये रहे 2019 के पॉसिबल यूनिवर्सल चैंपियन एंड WWE चैंपियन। नंबर 4, फ्रॉम रॉ यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी टाइम से यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे है। उनको काफी चांस मिले हैं टू विन द यूनिवर्सल चैंपियनशिप फ्रॉम ब्रॉक लेसनर, पर वो हर बार अनसक्सेसफुल रहे हैं। लास्ट चांस उन्हें मिला था एट क्राउन जूल, पर वहां पर ब्रॉक लेसनर ने उनको एकदम से स्क्वॉश कर दिया। और अब फिर से उनको एक और चांस मिला है टू विन द यूनिवर्सल चैंपियनशिप फ्रॉम ब्रॉक लेसनर एट रॉयल रंबल, वो हो गए हैं पूरी तरह से इंजर्ड। तो फिर दोस्तों, अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉयल रंबल में यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं जीत पाते या फिर कम्पीट नहीं कर पाते, तो फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन हमें लेटर इन 2019 में चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं, और फिर हमें देखने मिलेगा द मॉन्स्टर एरा इन 2019। नंबर 3, फ्रॉम स्मैकडाउन लाइव WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन। दोस्तों, रैंडी ऑर्टन एक जबरदस्त हील बन चुके हैं स्मैकडाउन लाइव पर तब से उन्हें इतने अच्छे से बुक नहीं किया जा रहा है। वो काफी ज्यादा डोमिनेट हील है, पर स्टिल उनके पास टाइटल नहीं दिया है विंस मैकमैन ने। और दोस्तों, कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स आए थे कि विंस मैकमैन रैंडी ऑर्टन को WWE चैंपियन बनाने वाले हैं 2019 में। तो फिर दोस्तों, जो भी होगा WWE चैंपियन एट रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया 35 में, रैंडी ऑर्टन उनके साथ फ्यूड करेंगे और उनको हरा के बन जाएंगे WWE चैंपियन। और फिर हमें देखने मिलेंगे एक डोमिनेंट, इंप्रेसिव एंड धासू WWE चैंपियन इन द फॉर्म ऑफ रैंडी ऑर्टन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नंबर 2, फ्रॉम रॉ यूनिवर्सल चैंपियन द रॉक। दोस्तों, ये होगा द एब्सोल्यूट शॉकर, वो इसलिए क्योंकि द रॉक बनेंगे फिर से चैंपियन। दोस्तों, रिसेंटली बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि द रॉक जीतेंगे 2019 का रॉयल रंबल और फिर वो हेडलाइन करेंगे रेसलमेनिया 35 विद ब्रॉक लेसनर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और फिर द रॉक वर्सेस ब्रॉक की बड़ी ड्रीम मैच देखने मिलेगी हमें फिर से फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और दोस्तों, रेसलमेनिया 35 से बड़ा और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होगा ये बड़ी मैच होने के लिए। और दोस्तों, र्यूमर्स ये भी थे कि सऊदी प्रिंस रॉक को $20 मिलियन देने वाले हैं अगर रॉक आ जाते हैं रेसलमेनिया के बाद के सऊदी इवेंट में एज अ चैंपियन। तो फिर मनी एंड रेटिंग्स को ध्यान में रखकर विंस मैकमैन रॉक को रॉयल रंबल जिता सकते हैं और फिर मैच सेट कर सकते हैं रॉक वर्सेस ब्रॉक फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 35। 2002 के समर स्लैम इवेंट में ब्रॉक लेसनर ने रॉक को हराया था और बने थे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन, पर इस बार थिंग्स प्रोबेबली चेंज हो सकते हैं और ऐसे फिर हमें रॉक दिख सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियन इन 2019। एंड नंबर 1, फ्रॉम स्मैकडाउन लाइव WWE चैंपियन जॉन सीना। दोस्तों, मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना काफी बिजी है उनके मूवी स्केड्यूल में और सभी उनके फैंस वेट कर रहे हैं उनके रिटर्न का। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जॉन सीना का रिटर्न होने वाला है January 7, 2019 को ऑन मंडे नाइट रॉ, और नेक्स्ट महीने में वो बहुत सारे लाइव इवेंट्स वर्क करने वाले हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जॉन सीना एक फ्री एजेंट है, तो फिर वो स्मैकडाउन में जाके चैंपियन बन सकते हैं। दोस्तों, जॉन सीना है आपके 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, उनको बस एक चैंपियनशिप रेन चाहिए टू बिकम द नंबर 1 चैंपियनशिप होल्डर। और जैसे कि आपको पता है कि स्मैकडाउन लाइव में हमें बड़े और अच्छे और डोमिनेंट चैंपियन की जरूरत है, तो फिर विंस मैकमैन हमें बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं इन 2019। स्मैकडाउन लाइव जाने वाला है 2019 में फॉक्स नेटवर्क पर, और फॉक्स डिमांड करता है गुड प्रोडक्ट विद मोर रेटिंग्स, और फिर इसीलिए विंस मैकमैन जॉन सीना को बुला सकते हैं और बना सकते हैं WWE चैंपियन इन 2019। और फिर विंस मैकमैन जॉन सीना को दे सकते हैं एक लेंथी चैंपियनशिप रेन प्लस पार्ट टाइम स्केड्यूल, ताकि जॉन सीना की हेल्थ एंड मूवी स्केड्यूल दोनों अच्छे रहे। तो फिर दोस्तों, ऐसे ही हमें बहुत सारे धासु थिंग्स देखने मिलेंगे इन 2019। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि क्या आप इन चारों को चैंपियन देखना चाहेंगे इन 2019। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।